बंद करो, बंद करो, मकान गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, टेलर चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग, हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है वहाँ बुलडोजर चलता है। कोर्ट ने दो साल देर से ही सही लेकिन बुलडोजर चलाने की घटिया प्रथा के खिलाफ एक तीखी टिप्पणी की है और इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सही कहा है कि आरोपी की सजा निर्दोष परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। पर आखिर ये बुलडोजर का पूरा बवंडर है क्या, किसके ऊपर चलता है, कब चलता है, क्यों चलता है, ये कौन निर्धारित? उत्तर प्रदेश में फिर चला बाबा का बुलडोजर। बाबा के बुलडोजर पर भड़के अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बाबा पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से घिरते नजर आ रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने ढहा दिए कई आशियाने और इस आशियाने को ढहाने के बाद इस पर राजनीति हो रही है साहब, इस पर राजनीति हो रही है। और उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकार का एक्शन जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। बाबा के बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जी हाँ बुलडोजर चलाया गया। और जब ये बुलडोजर चला है ना तो कई घर इसके चपेट में आए हैं और मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया जा रहा है। जी हाँ, बुलडोजर के नाम पर मनमानी हो रही है, बुलडोजर के नाम पर जी हाँ सीधे सीधे तौर पर लोगों को घर से उजाड़ दिया जा रहा है, उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। और मैं अपने दर्शकों को जरा पूरी खबर बता देता हूं इस रिपोर्ट में कि कैसे जब बाबा का बुलडोजर चला फर्रुखाबाद में तो किस तरीके से तस्वीर पलटती नजर आई और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं योगी आदित्यनाथ ने। फर्रुखाबाद में बुलडोजर एक्शन पर भड़के अखिलेश यादव बोले, गिरते घर के साथ और नीचे गिर रही है भाजपा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले प्रशासन द्वारा हरित ऊर्जा गलियारे के निर्माण के लिए मोहम्मदाबाद ब्लॉक के उखरा गांव में कथित अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को इसे राजनीतिक क्रूरता की हद करार दिया। प्रशासन के अनुसार उखरा गांव में वर्षों से अवैध रूप से कब्जा की गई बंजर भूमि पर शनिवार शाम कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे ने बताया कि लगभग 1.5 हेक्टेयर जमीन पर लोगों का कब्जा है, जिसको हरित ऊर्जा गलियारे के लिए ग्राम समाज की सहमति पर अधिग्रहण किया गया। पांडे ने कहा, जमीन सरकारी है, वह बंजर भूमि पर है जिस पर लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का वीडियो सामने आया जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई देखकर भड़क उठे, आग बबूला हो गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में आरोप लगाया, ये है प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा। बसपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है, जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए पता नहीं वो दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला लेते हैं। यादव ने कहा, हर गिरते घर के साथ भाजपा और भी नीचे गिरती जा रही है। अमृतकाल के सूचनार्थ में देखने को मिलता है कि किस तरीके के हालात बने हैं। लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, आशियाने उजाड़े जा रहे हैं और ये करके सरकार वाहवाही लूट
उठ रही है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, उखरा में सालों से बसे 25 गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर ना जाने कितने बड़े बूढ़े बीमार बच्चों माताओं बहन बेटियों को भरी बरसात में बेघर कर दिया गया। ये राजनीतिक क्रूरता नहीं साहब, तो ये और क्या है। विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 17 सितंबर को एक अंतरिम आदेश पारित किया। उसकी अनुमति के बिना 1 अक्टूबर तक कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइन या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं है, और जो अवैध जमीन है उस पर जो कब्जा किया गया सरकार ने उस पर बुलडोजर चलाया है, जिस पर अखिलेश यादव भड़कते नजर आ रहे हैं। तो ये देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट, लेकिन एक रिपोर्ट और मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य एक्शन मोड में नजर आ। उन्होंने साफ कर दिया है कि अवैध जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध जमीन पर अगर कब्जा करोगे तो वहां से खदेड़ दिए जाओगे, क्योंकि ये सरकार समाजवादियों की सरकार नहीं साहब, ये सरकार है बाबा की सरकार, ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ हमारे नियम से चलना पड़ेगा, और यहाँ का नियम भी हम तय करते हैं और कानून भी हम बनाते हैं, और अगर हमारे कानून का उल्लंघन किया तो फिर बचोगे नहीं, क्योंकि चुन चुन कर मार दिए जाओगे अगर रूल और रेगुलेशन को आपने तोड़ा। एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाता हूं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कब कब बुलडोजर चला है, और उन बुलडोजर के चलने के बाद किस तरीके की सियासत भी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 3 अप्रैल 2021 उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक ही दिन की कार्रवाई में 124 अवैध निर्माणों को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। 17 जुलाई 2021 बुलडोजर की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप विभिन्न शहरों में 87 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। 15 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया। 5 सितंबर 2021 सार्वजनिक सड़कों और सरकारी स्वामित्व वाले भूखंडों पर अतिक्रमण को साफ करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बड़े अभियान में बुलडोजरों ने 176 अनाधिकृत संरचनाओं को तोड़ दिया। 22 नवंबर 2021 एक सप्ताह तक चले ऑपरेशन में बुलडोजरों ने 312 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया, जो हाल के महीनों में अनाधिकृत निर्माणों पर सबसे व्यापक कार्रवाई में से एक है। 12 जनवरी 2022 उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अतिक्रमण से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए अपने बुलडोजर अभियान को तेज करते हुए 59 अवैध बस्तियों को निशाना बनाया और लगभग 25 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया। मई 2019 उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल की स्थापना की, जिसमें भ्रष्टाचार और दुर्भावना के हाई प्रोफाइल मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया, और ऐसे में बुलडोजर पर फैसला लिया गया। और अभी हाल ही में कई जगह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाए गए हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर चलाए गए उसके बाद राजनीति भी इस पर गर्माती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक्शन मूड में तो है, लेकिन साहब आप ये समझ लीजिए कि ये जो सरकार का एक्शन है ना, ये जो बुलडोजर लेकर चले जाते हैं, बुलडोजर लेकर गिरा देते हैं, बुलडोजर से लोगों के आशियाने को तोड़ देते हैं, और इस पर बवाल भी हुआ है। जी हाँ, इस पर बवाल भी हुआ है। और सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध कब्जा जो कर रखा है ना, अवैध कब्जा जो हुआ है, उस अवैध कब्जे को वो पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि साहब आप सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते, ये सरकार की जमीन है, ये सरकार के लिए, सरकार इस पर काम करेगी, सरकार इसे जो है अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करेगी। आपने कैसे इस्तेमाल कर लिया सरकार की जमीन का, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर को लेकर, जी हाँ, कोर्ट से एक बड़ा
फैसला आया जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार चल रहा था, धराशाही किए जा रहे थे मकानों को, तो कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आता है। क्या है वो फैसला जिसमें योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबा का बुलडोजर रुका नहीं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर चला फरुखाबाद में। और जब बाबा का बुलडोजर चला तो अखिलेश यादव तिलमिला उठे। चलिए कोर्ट से क्या ऑर्डर आया था दिखाते हैं ये खास। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार के 47 निवासियों की ओर से दायर एक याचिका के बाद अवमानना नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस में राज्य पर शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, साथ ही कहा कि अदालत की मंजूरी के बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य को 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद अधिकारियों ने उनके घरों को ध्वस्त कर दिया था। असम के महाधिवक्ता ने 20 सितंबर को गुवाहाटी उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि उनकी याचिकाओं का समाधान होने तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह मामला असम के कामरूप जिले के कचू टोली पथार गांव और आसपास के इलाकों में 47 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे मूल भूमि धारकों के साथ समझौते के तहत दशकों से वहां रह रहे हैं। आदिवासी भूमि के अवैध कब्जेदारों के रूप में उनका कब्जा मौजूदा समझौते के तहत वैध था। सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश ने सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को छोड़कर पूर्व न्यायिक मंजूरी के बिना देश भर में विध्वंस पर रोक लगा दी। इसके बावजूद असम के अधिकारियों ने कथित तौर पर याचिकाकर्ताओं के घरों को बिना किसी नोटिस के विध्वंस के लिए चिन्हित किया, जिसके कारण वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा था कि 1 अक्टूबर तक बिना हमारी अनुमति के देश में कहीं पर भी बुलडोजर का एक्शन नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में और जिस तरीके से देखने को मिला आसपास कई जगहों पर जो बुलडोजर चलाए गए, उससे ये साफ पता चल रहा है कि क्या योगी सरकार ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना है। जिस पर विपक्ष ने भी कहा कि जब कोर्ट का आदेश आ गया उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चल रहा है तो ये कौन सा न्याय है और सरकार क्या कर रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन एक वीडियो में अपने दर्शकों को और दिखाऊंगा। वो वीडियो वो होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ का जब बुलडोजर चल रहा था ना, योगी आदित्यनाथ का जब बुलडोजर चला है तो कैसे रोते बिलखते लोगों का दृश्य सामने आया है, किस तरीके से लोग रोते बिलखते नजर आ रहे थे, किस तरीके से देखा जा रहा था कि जब उनके आंखों के सामने बुलडोजर चल रहा था तो किस तरीके से सड़कों पर खड़े होकर वो आंसू बहा रहे थे। देखिए ये खास। बंद करो।
बुलडोजर चलाना बंद करो, बंद करो, योगी हाय हाय, हाय हाय, योगी हाय हाय, हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, बुलडोजर चलाना बंद करो, बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, विकास प्राधिकरण हाय हाय, विकास प्राधिकरण हाय हाय, हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग, हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल देर से ही सही लेकिन बुलडोजर चलाने की घटिया प्रथा के खिलाफ एक तीखी टिप्पणी की है और इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सही कहा है कि आरोपी की सजा निर्दोष परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। पर आखिर ये बुलडोजर का पूरा बवंडर है क्या, किसके ऊपर चलता है, कब चलता है, क्यों चलता है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क HLRN का अनुमान है कि स्थानीय राज्य और केंद्र सरकारों ने 2022 और 23 में करीब 1.5 लाख घरों को बुलडोजर से ढा दिया था, जिसके चलते गांव देहात और शहर में करीब करीब 7.5 लाख लोग बेघर हो गए। अतिक्रमण को रोकने से लेकर शहरीकरण और आरोपी के खिलाफ हुए एक्शन जैसे कारण इसके लिए दिए गए, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। और पहला सवाल यह है कि ऐसा कैसे होता है कि किसी आरोपी का घर, दुकान, होटल अचानक अवैध हो जाता है? एक ही दिन में अवैध निर्माण ढाए जाने की सारी प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। क्या कोई ये पूछेगा कि कैसे पता चलता है कि निर्माण अवैध है? कब नोटिस दिया गया, कब उसे सुनवाई का मौका दिया गया, कब निर्माण तोड़ने की तिथि निर्धारित करी गई, और आखिर ये सारी चीजें 24 घंटे में कैसे हो जाती हैं? लेकिन सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर निरंकुश सरकारें नफरत की आंधी को हवा देने के लिए चला रही हैं। और एक बड़ा कड़वा सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलाए जाते हैं। असल में बुलडोजर बर्बरता का प्रतीक है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है और कोर्ट कचहरियों पर एक करारा तमाचा है। अगर बुलडोजर से ही न्याय करना है तो सारी न्यायपालिकाओं पर ताला लगा दीजिए, उनकी क्या जरूरत है, यह मेरा बिल्कुल मत है। सवाल यह भी है कि अगर सरकारें बकैती में बुलडोजर से कुछ लोगों के घर धड़ल्ले से ढाती हैं, तो बाकी गुंडों के खिलाफ उनको सांप क्यों सूंघ जाता है? एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा, दूसरे पर नहीं चलेगा। एक बस्ती उजड़ेगी, दूसरे के सामने जाकर बुलडोजर रुक जाएगा। तो क्या आरोपी का धर्म यह निश्चित करता है कि बुलडोजर कहां चलेगा? सजा आरोपी को मिलनी चाहिए, उसके घर के बाकी बेकसूरों को क्यों मिलती है? बुजुर्गों को, बच्चों के सिर से क्यों छत और साया उठाया जाता है? यह ठीक नहीं है और यही कोर्ट भी कह रहा है। बुलडोजर चलाने जैसी गैर कानूनी हरकतें असल में अपराधी करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं। इसीलिए बुलडोजर वाले बाबा और उनकी इस बर्बरता की नकल करते हुए बीजेपी के तमाम कठपुतलियां, प्रशासन कीजिए पाप नहीं, क्योंकि घर हिंदू को हो या मुसलमान का, बनवाने में एक उम्र लग जाती है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अभी सवाल ये खड़ा हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं या इनकी जो बुलडोजर नीति है, क्या ये ठीक है? कोर्ट ने आदेश दिया उसके बावजूद भी फर्रुखाबाद में बुलडोजर चल जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, लगातार ये बात साबित होती है कि क्या योगी आदित्यनाथ की ये जो बुलडोजर नीति है, क्या वाकई ये बुलडोजर नीति सही है? न्याय का क्या ये सही तरीका है? और उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके से लोगों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है, उनके आशियाने को तोड़ दिया जा रहा है, तो ये कहां तक जायज है और क्या इसका असर चुनावों पर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर इसका असर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।